10 दिवसीय गणेश उत्सव में कुछ ही दिन शेष बचे हैं, लेकिन कोरोना के चलते जारी सरकारी फरमान से गणेश भक्तों का उत्साह ठंडा है। हर साल गणेश उत्सव आने से पहले लोगों में अलग ही उत्साह देखा जाता है। जगह जगह गणेश प्रतिमाओं के पंडाल लगते थे। सबसे ज्यादा भीड़ प्रतिमा निर्माण करने वाले कलाकारों के पास होती थी, लेकिन इस साल गणेश उत्सव पर भी कोरोना का असर साफ दिखाई दे रहा है। भिंड में जिन मूर्तिकारों के पास रौनक नजर आती थी, उनके पास खरीदार नजर नहीं आ रहे हैं। महगांव में हर साल गुनगांव से आकर मूर्तियां तैयार करने वाले मूर्तिकार इस साल भी अपने तय समय पर पहुंच गए थे, लेकिन चंद दिनों में ही लॉकडाउन लग गया, जिससे वे यहां फंस गए और उनके पास का पैसा खर्च हो गया। अब मूर्तियां नहीं बिकी तो इन मूर्तिकारों को भारी नुकसान झेलना ही पड़ेगा, साथ ही भूखे मरने की नौबत तक आ जाएगी। तीन चार महीने सर बैठे हम यहाँ, लॉकडाउन के हिसाब से माल बना नहीं पाया, कम बनाया, पर ठीक है, बिच जाएगा तो सही है, बढ़िया है। तो एक डेढ़ फुट की मूर्ति बनाई है हम लोगों ने, बिचेगा धंधा होगा। बड़ी पूजा नहीं होगी तो छोटी तो करवा ही देंगे। अब मेरे को कहा अब लॉकडाउन में बिच गया तो ठीक है, नहीं पुराना माल पड़ो अपने पास तो निकाल देंगे, तो निकल जाए, ग्राहक आएगा तो निकाल देंगे, नहीं तो फिर मतलब अंग्रेजान तो बहुत परेशानी है। अगर तीन चार महीने बैठ के खा लो किराओ भाड़े हर एक तरह की, मार्केट बिल्कुल डाउन ही है जी, बिल्कुल घाटा जाने वाला है। लॉकडाउन की वजह से पीओपी पर रुकावट आ रही है। 40,000 रुपए की मिट्टी आ रही है, 40-50,000 रुपए मिट्टी में लग रहा है, बड़ी मूर्ति नहीं बिच रही है। अगर बड़ी मूर्ति पर रुकावट आ गई तो छोटी मूर्ति में खर्चा मेरा पूरा नहीं होगा, फिर क्या करेंगे। इस वर्ष जो है आयोजन फीका रहेगा, लॉकडाउन के चलते हम लोग नहीं मना पा रहे हैं दरबारों में, और दरबारों में हर वर्ष बहुत संख्या में भीड़ होती थी, बहुत अच्छा उत्सव मनाया जाता था। इस साल जो सरकार ने रोक लगाई है लॉकडाउन की वजह से, तो हम लोग नहीं मना रहे हैं। घरों पे जो है छोटी सी मूर्ति का जो है बैठाल करके और आरती पूजा वहीं कर लेंगे, दरबारों में इस साल नहीं मना पा रहे।